केजरीवाल को उनके ही दांव में फंसाने की तैयारी। आपके साथ बीजेपी ने भी की सीबीआई जांच की मांग। सीबीआई जांच हुई तो उल्टा फंस जाएगी केजरीवाल सरकार। दिल्ली में हंगामा मचा हुआ है। विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया था 2 दिन के लिए, लेकिन आज 5 दिन हो गए और सत्र है कि चलता ही जा रहा है। चर्चा केजरीवाल सरकार के विश्वास प्रस्ताव पर होनी है। मुद्दा दिल्ली में विधायकों की खरीद फरोख्त का है, लेकिन विधानसभा में चर्चा दूसरे मुद्दों पर चल रही है। देखा जाए तो चर्चा चल ही नहीं रही है, सिर्फ हंगामा चल रहा है। और सबसे बड़ी बात ये है कि हंगामा सत्ता पक्ष की ओर से ज्यादा मचाया जा रहा है। विपक्षी दल बीजेपी भी इसमें पीछे नहीं है। आप बीजेपी को घेरने में जुटी है। पार्टी का दावा है कि पूरे देश में 277 विधायकों को खरीदने की तैयारी है। एक विधायक की कीमत 20 करोड़ लगाई गई है। दिल्ली में 40 विधायक खरीदे जाने हैं। बजट 800 करोड़ का है। सीबीआई ईडी से डराया जा रहा है। ब्लैक मनी का इस्तेमाल विधायकों को खरीदने में किया जा रहा है। पूरे मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। सीबीआई जांच को लेकर आप नेताओं ने सीबीआई मुख्यालय के सामने धरना भी दिया। आप हर मंच पर जा रही है, आरोप लगा रही है कि बीजेपी पूरे देश में ऑपरेशन लोटस चला रही है। जांच होनी चाहिए, लेकिन जांच की सिफारिश करने के लिए दिल्ली की केजरीवाल सरकार तैयार नहीं दिख रही है। केजरीवाल ने विधायकों की खरीद के आरोप तो लगा दिए हैं और दावा भी कर दिया है कि इसका सबूत उनके पास है, लेकिन तमाम सबूतों के बावजूद आप ना तो बीजेपी के किसी नेता का नाम बता रही है जिसने आप विधायकों से संपर्क साधा है, और ना ही पार्टी पुलिस थाने जाकर शिकायत दर्ज करा रही है। आप नेता कोर्ट भी नहीं जा रहे हैं, बाकी सभी जगह जा रहे हैं। नियमों के अनुसार जिस मंच का इस्तेमाल सीबीआई जांच की सिफारिश करने में होता है, केजरीवाल की सरकार वहां जाने को तैयार नहीं है। इस बीच जैसे ही खबर मिली कि दिल्ली बीजेपी के सभी 7 सांसदों ने एलजी को पत्र लिखा है, पत्र में कहा गया कि केजरीवाल ने जो आरोप लगाए हैं वो बेहद गंभीर है, सच्चाई सामने आना चाहिए, इसलिए पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराई जानी चाहिए। आप भी चाहती है कि सीबीआई इस मामले की जांच करे, बीजेपी भी चाहती है कि सीबीआई जांच हो, लेकिन दोनों की मांग में अंतर है। बीजेपी चाहती है कि केजरीवाल ने दिल्ली के विधायकों के खरीद के जो आरोप लगाए हैं उसकी जांच हो। आपका कहना है कि दिल्ली मामले की जांच की इतनी जल्दी जरूरत नहीं है, पहले देश के दूसरे हिस्सों की जांच हो, बाद में दिल्ली की भी हो जाए। साफ है केजरीवाल विधायकों की खरीद के आरोप लगा रहे हैं, सबूत होने के बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, सीबीआई जांच की बात कर रहे हैं, लेकिन उनकी सरकार सीबीआई जांच की सिफारिश करने को तैयार नहीं है। एलजी को चिट्ठी लिखने के लिए दिल्ली की सरकार तैयार नहीं दिख रही है। दूसरी ओर कांग्रेस को आप और बीजेपी की लड़ाई नूरा कुश्ती नजर आ रहा है। सीबीआई खेला जा रहा है, लेकिन जांच की सिफारिश नहीं की जा रही है। कांग्रेस का दावा है कि केंद्र में सरकार बीजेपी की है। गृह मंत्रालय के एक इशारे पर उपराज्यपाल सीबीआई जांच की सिफारिश कर देंगे, लेकिन बीजेपी सिर्फ प्रचार कर रही है। दूसरी ओर आप भी प्रचार में जुटी हुई है, इसलिए दिल्ली सरकार भी सीबीआई जांच की सिफारिश का प्रस्ताव एलजी के पास नहीं भेज रही है। वो तो मामला भी दर्ज नहीं करा रही है, सिर्फ सड़क और विधानसभा में हंगामा मचा रहे हैं। इस बीच आपने एलजी पर भी घोटाले के आरोप लगा दिए हैं। विधानसभा में आप विधायक दुर्गेश पाठक ने दावा किया कि जब वीके सक्सेना खादी ग्रामोद्योग विभाग के चेयरमैन थे तो उनके विभाग में 14,000 करोड़ का घोटाला हुआ था। पाठक के इस बात को आपके दूसरे विधायकों ने भी दोहराया है, और अब एलजी वीके सक्सेना ने संकेत दिए हैं कि वो इस मामले को लेकर आप विधायकों के खिलाफ मानहानि का दावा करेंगे। यानी साफ है केजरीवाल को उनके ही दांव में फंसाने की तैयारी है।